हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया है हमारा ब्लॉग शुरू आज का, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेहंदी फंक्शन कि हम लोग ने भाई की मेहंदी किस तरह से की थी और क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें आप आज आप लोगों को इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने ब्लॉग की मेहंदी से। तो जो कि आज मेहंदी वाला दिन है तो मेहंदी तो लगानी बनती ही है भाई। तो यहाँ पे ये मैंने लगाई है अपनी कज़न सिस्टर्स के, तो यहाँ पर मैंने ही अपने हाथों से ही लगाई है। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया है, तो फिर यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाने में यहाँ पे जो है कि फादा के लिए मटन बन रहा है, और साथ में अभी हलवा वगैरह भी बनाऊँगी, जो कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि सुहागल लेडीज़ों को दिया जाता है। तो बस इसीलिए यहाँ पे अभी खाना पीना बना रही हूँ, और बाकी सारा खाना तो खैर ऊपर बन ही रहा है सभी लोग के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुकर में मटन चढ़ा दिया और साथ में हलवा भी बना रही हूँ। तो ये देख लीजिए मटन का फाइनल लुक। तो यहाँ पे जो है कि मेहंदी की तैयारियाँ चल रही हैं, तो मेहंदी के प्रोग्राम के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अलग सा कुछ क्रिएशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये ग्रीन कलर का पर्दा लगाया हुआ है, क्योंकि हल्दी की रस्म है तो उसकी मेहंदी की रस्म है तो उसके लिए मेहंदी वाला कलर कुछ होना चाहिए डेकोरेशन, तो चेंज कर रहे हैं हम लोग। हल्दी वाला था कल तो वो हट चुके हैं, लेकिन अभी ग्रीन पर्दा लगाया गया है। कल हल्दी के प्रोग्राम की तैयारियां की थी, आज है मेहंदी का प्रोग्राम। तो कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रीन थीम बनाऊँ कुछ, ग्रीन 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 रूम्स, अभी ये फ्रेम रेडी की है। तो देखते हैं आगे कि ग्रीन बलून्स भी हैं या जो भी कोई और चीज़ें, अगर मेरे को ग्रीन पसंद आती हैं इसमें लगाने के लिए तो लगाता हूँ, और फिर आप बताइए कमेंट करके कैसे लगा। ओके, और यहाँ पे ये लोग देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे जो नेवर हैं वो भाई की मेहंदी करने के लिए आए हैं, तो लड्डू और हारफुल कर रही हैं ये लोग यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कि बैलून्स फुलाए जा रहे हैं, जो कि कल जो हल्दी थी तो उसमें येलो एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रखा हुआ था हम लोगों ने, लेकिन आज जो है कि ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन है बैलून्स में। तो ये ऊपर जाएंगे और ऊपर ही डेकोरेशन होगा इन बैलून्स से। और यहाँ पे ये देख लो, सारे बच्चे बैठ चुके हैं और सारे ही बच्चे मदद कर रहे हैं बैलून्स को फुलाने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि आंटी नॉनवेज बना रही हैं, क्योंकि जो भी गेस्ट लोग आएंगे आज मेहंदी वाले दिन तो सभी के लिए खाना बनाया जा रहा है यहाँ पे। सिस्टर्स आ जाओ, तू भी याद कर रही है। हां इधर अंदर आ गए, हां याद लग रही है ना सारे बात। हेलो, तो मेहंदी के लिए सभी लोग रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मेहंदी मतलब ठेला लेकर के जा रहे हैं बाहर साइड, वहां से हम लोग लेकर रख के आएंगे। और फिर जो भी प्रोग्राम होगा सभी कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी इंशाल्लाह से, और आप लोग भी इंजॉय कर रही है हम लोगों के साथ में जैसे की हम लोग इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आएगी, है ना। और ये देख लीजिए हमारा घर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, माशाल्लाह।
और ये जो सामान आप लोग देख रहे हो ये हम दोनों बहनों की तरफ से था बॉबी भाई के लिए, जो कि अपने भाइयों को मेहंदी दी जाती है और मेहंदी में क्या क्या दिया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो भी देना होता है ना वो सारी चीज़ें अपनी हैसियत के हिसाब से सभी लोग करते हैं, सारी बहनें करती हैं, तो इसलिए हम लोगों से जितना भी बना हम लोगों ने किया भाई के लिए। और भी ज़्यादा कर सकते थे लेकिन इतना इनफ था इसीलिए। और यहाँ पर जो ड्रेस आप लोग देख रहे हो ना ये हम दोनों बहनों की तरफ से ही है भाई के लिए। बाहर निकल आए हैं, घर से बाहर आने के बाद ही हम लोग घर के अंदर फिर जाएंगे बाद में। तो यहाँ से हम लोग मेहंदी की रस्म कर रहे हैं, तो जो भी सामान लेकर के आते हैं तो उसको ठेले पर रखा जाता है और फिर उसको घर पे लेकर जाया जाता है, या फिर बैंड के साथ में, या फिर तो ढोल के साथ में, किसी के भी साथ में आप ले जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ढोल किए हुए हैं और बाकी सारी जो मेरी भी कजिन्स वगैरह लगती हैं और भाई को जो भी मेहंदी करने वाली हैं तो सारी लेडीज़ हम लोग के साथ में जाएंगी। Thank you.
यहाँ पे हम सभी लोग आ गए हैं घर पर, और घर पे ही हम लोग ये सारा सामान जो है कि सजा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो आज के दिन जो है कि भाई को हमारी साइड से सहरा बांधा जाएगा और मकना उड़ाया जाएगा, तो तभी दूल्हा माना जाता है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग जो है कि एक रस्म करेंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से की जाती है हमारे यहाँ पे, और आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या होता है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग किस तरह से मेहंदी की रस्म करते हो, बहन लोग अपने भाइयों के लिए क्या क्या लेकर के जाती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फलक का डांस चल रहा है, और मैं अभी ज़्यादातर वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है ना, पता है रात के 3 बज रहे हैं, और अभी जाकर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो में, तो मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी इस वीडियो में भी। तो देख लीजिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ना सारी बहनें जो है कि हार मतलब मेहंदी करती हैं भाई के लिए, तो यहाँ पे हार फूल पहनाए जाते हैं और साथ में मिठाई वगैरह मुंह भी ढक कराया जाता है। तो इसलिए जो भी मेरे कज़िन सिस्टर वगैरह लगती हैं, मेरे चाचा ताऊ के या फिर हमारे दूर के रिश्तेदार वगैरह, तो वो सारे लोग भी आते हैं ऐसे ही मेहंदी करने के लिए। तो बारी आ जाती है एक रस्म करने की, जो कि मकना उड़ाया जा रहा है, उसके बाद में सहरा लगाया जाएगा। तो हम दोनों बहनें बस वही करेंगे, तो हम दोनों बहनें मिलकर के मेहंदी करेंगे और भाई को मकना उड़ाएंगे, सहरा पहनाएंगे, उसके बाद में काजल लगाएंगे आँखों में, उसके बाद में मुंह मीठा कराएंगे। वैसे भाई पान नहीं खाते हैं, वैसे पान भी खिलाया जाता है लेकिन भाई पान नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनका मुँह मीठा ही कराएँगे। तो यहाँ पर एक ये इस तरह से ही रस्म की जाती है।
तो यहाँ पे जो है कि सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और अभी जो है कि टाइम आ चुका है सेल्फी वगैरह लेने का, साथ में पिक्चर वगैरह क्लिक करवाने का। तो इसलिए बस अभी सभी लोग आएंगे, कपल्स कपल्स या फिर सिंगल में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि जायनवाजी लेट हो गई थी और प्रोग्राम में शामिल तो नहीं हो पाई, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया उनको। बस यहाँ पे अभी वो आ चुकी हैं और वो भी दुपट्टा वगैरह उड़ा रही हैं, तो वो भी मेहंदी कर रही हैं। ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा इस ये वीडियो, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।